हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 10 रियल नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सो दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको बताना है कि 3 + √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि इसका उल्टा है ना। तो क्या एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + √2 इज ए रेशनल नंबर है ना। इसको हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 + √2 इक्वल टू ए अपान बी। इसको हम ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए इंटीजर्स हैं और ऐसे इंटीजर्स हैं जहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा ये, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ए बी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और √2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3 - a / b इक्वल टू -√2। अब देखिए, -√2 को यहाँ को माइनस हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा a / b - 3। ठीक है, इक्वल टू √2। ये कैसे हुआ, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 - a / b इक्वल टू -√2। अब माइनस तो -3 यहाँ पे आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे हो गया। अब देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 / 1। यहाँ पे 1 और b का एलसीएम b हो गया, तो ये -3 b। अब यहाँ पे इक्वल टू √2। अब यहाँ पे क्या बात आ गया कि a एंड b आर इंटीजर्स। a और b इंटीजर्स हैं तो a - 3 b अपान बी इज अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि इंटीजर्स में प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को इंटीजर्स ही मिलता है, और ये इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा है ना। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जो कि गलत है ना। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमको मालूम है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन था, पहले जो हमने मान लिया था कि ये जो है ना, क्या है कि ये रेशनल नंबर है, गलत हो गया। हेंस 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर है ना। अब ये प्रूव हो गया कि 3 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।